तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार आपको आपके डिवाइस में अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों कुछ डिवाइसेस के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट हो चुकी है, कुछ के लिए हो रही है और कुछ डिवाइसेस के लिए अभी नहीं हुई है। तो यार हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको आपके डिवाइस में कब तक अपडेट मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं पोको F1 की। तो यहाँ पर दोस्तों MIUI 12.0.3.0 की अपडेट जो है वो पोको F1 के लिए यहाँ पर पुश कर दी गई है Xiaomi की तरफ से। अगर आप उनमें से हैं, आपको अपडेट मिल चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं मिली है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपडेट कर सकते हैं। तो वरना आपको यहाँ पर वन वीक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकेंड अपडेट की, वो है Redmi 9 Prime। तो आप देख सकते हैं MIUI 12.0.1.0 की स्टेबल रोम की अपडेट Redmi 9 Prime के लिए रिलीज कर दी गई है। अगर आप उनमें से हैं, आपको अपडेट नहीं मिली है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मैन्युअली कर सकते हैं, वरना पूरा एक मंथ यहां पर लग जाएगा, इसी महीने फुल रोल आउट होने वाला है। तो यहां पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपडेट की, वो है Redmi Note 6 Pro। अपडेट जो है वो रोलिंग आउट हो रही है, इसी महीने फुल रोल आउट होगा, पर अगर आपको नहीं मिली है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ी सी वेट कर लीजिए, अपडेट आ जाएगी, वरना OTA द्वारा मैन्युअली आप अपडेट कर सकते हैं। तो बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi 7A की। तो MIUI 12 की अपडेट जो है पुश कर दी गई है, मैन्युअली अपडेट आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिली है, वरना इसी महीने आपको अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 7S की, क्योंकि कॉमेंट आ रहे हैं कि आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली है, तो लिंक मैंने दिया हुआ है तो आप अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ Redmi Note 5 Pro की, जो है अपडेट जो है वो रोल आउट हो चुकी है दोस्तों 5 Pro के लिए, पर अगर आपने अपडेट करनी है, OTA लिंक मेरे पास नहीं है, फुल रोम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अपडेट करना है कर लीजिए, वरना इसी महीने अपडेट देखने को मिलेगी, अभी भी अंडर टेस्टिंग है Redmi Note 5 Pro। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कुछ अदर डिवाइसिस की, जैसे कि Redmi 7 की MIUI 11 की अपडेट जो है पुश कर दी गई है, MIUI 12 नहीं मिलने वाला, तो अगर आपको नहीं मिली है तो आप अपडेट कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है OTA। Redmi 8A के लिए दोस्तों इसी महीने अपडेट आएगी, कुछ इस प्रकार की न्यूज है, एक्सपेक्टेड है इन दोनों ही डिवाइसेस को इसी महीने अपडेट देखने को मिलेगी, कोई डेट फिक्स नहीं है, पर दोस्तों इसी महीने Redmi 8A को अपडेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर Redmi Y3 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि MIUI 12 नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ कंपैटिबिलिटी की इश्यू से, पर आगे कौन सी अपडेट आएगी इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है Redmi Y3 के लिए। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर इन सभी अपडेट्स के बारे में। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही।